अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसकी जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं और हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी तरह की जो टर्म्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो होती हैं। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि टर्म्स वार सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट जी। तो इन टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है हम देखेंगे कि वेव फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज वेव फॉर्म? वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट जी। फिर सेकंडली हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट जी। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स के हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो क्या होता है। इन सब चीज़ों को डियर स्टूडेंट्स हम एक डायग्राम से स्टडी करेंगे, तो हम इनको देखने के बाद फिर हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर पर हम देखेंगे कि हमारे पास व्हाट इज़ वाइब्रेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनमें से कुछ चीज़ें जो है उनका जो ओवरव्यू है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है, जैसा कि वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। फिर इसमें हम देखेंगे कि एक बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही है, तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, टाइम पीरियड, राइट जी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास टाइम पीरियड के बाद व्हाट इज़ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी क्या होती है। और एट द एंड हम देखेंगे कि हमारे पास जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती है, व्हाट इज़ एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इन टर्म्स को जो है वो वन बाय वन हम एक डायग्राम से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो ये डायग्राम जो है इससे हम इन सारी चीज़ों को जो है वो इजीली जो है वो एलेबोरेट कर सकते हैं। तो देखिएगा इस डायग्राम को, जो स्टूडेंट जो समझ लेगा उसके लिए ये टॉपिक जो है इन टर्म्स को समझना उसके लिए बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्प्रिंग सिस्टम है। इस यहाँ पर इसको देखते हैं कि हमारे पास ये एक फिक्स पॉइंट है और इस पर हमने एक स्प्रिंग हमारे पास हमने अटैच किया हुआ है। तो डे स्टूडेंट ये हमारे पास एक मैस है जो कि स्प्रिंग के साथ हमने अटैच किया हुआ है, राइट जी। इसका मैस एम है, राइट। अब देखें स्टूडेंट्स सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास पीछे एक पेपर है और पेपर के आगे जो है वो हमारे पास मैस है जो स्प्रिंग के साथ अटैच है और यहाँ पे ना एक नीडल है, ये एक नीडल है, राइट जी। इस नीडल की जो वर्किंग है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि ये किस मकसद के लिए है। स्टूडेंट यहाँ पे इमेजिन करें कि जो है ना ये जो आपका जो मैस है जो स्प्रिंग के साथ अटैच है ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, वाइब्रेशनल मोशन जिसको कहते हैं। जो मेन पॉइंट है जो जो इसका मेन पोजीशन है उसके अराउंड ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। तो ये जो इसके नीचे जो पेपर है ना वो मूव करता हुआ जा रहा है। ये सेम ऐसे समझ लें कि अगर आपके पास कोई एक स्ट्रिप ऑफ पेपर हो और वो जो स्ट्रिप ऑफ पेपर है वो मूव करे, तो मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक स्ट्रिप ऑफ पेपर है, ये जो है ऐसे यानी कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऐसे मूव कर रही है और जो मैस अटैच है इसके साथ वो ऐसे ऐसे साथ साथ ऑसिलेट कर रहा है। तो इस कंडीशन में मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रैक्टिकली भी आपको जो है वो इसका जो है ना वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ बना के शेयर करूं प्रैक्टिकली, ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड करें। जब ये जो नीडल है ये आप यही समझ लें कि आपके पास यहाँ पे एक जो है ना वो बाल पॉइंट अटैच है, वो जैसे जैसे पेपर इस राइट टू लेफ्ट मूव करता हुआ आ रहा है इसकी ऑसिलेशन की वजह से इसकी जो टिप है पेपर के साथ बिल्कुल अटैच है। आप इसको ऐसे समझ लें कि ये जो है ये मूव करता हुआ आ रहा है और ये जो है आपकी ये जो बाल पॉइंट जो मैं आपको कह रहा हूँ ये जो टिप है ये वाली ये जो नोक है ये आप समझ लें कि इस हमारे पास मैस अटैच्ड हुआ स्प्रिंग सिस्टम की हमारे पास ये जो नीडल है तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो पेपर जब राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो आपके पास इसके ऑसिलेशन की वजह से यहाँ पर एक इस तरह की वेव बनेगी, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे वो वेव बनाता हूँ। सपोज दिए मेरे पास ये मेन पोजीशन थी, और जैसे जैसे पेपर इधर मूव कर रहा था तो टिप के ऊपर नीचे मूव करने की वजह से एक यहाँ पे जो है वो वेव बनती हुई जा रही थी इस तरह से, राइट जी। अब इस ये जो वेव है इसको मैं अलग से जो है वो यहाँ पे बनाता हूँ ताकि एक अच्छी डायग्राम जो है वो बने। यहाँ पे ये मैंने एक साइकिल बनाया वेव का, राइट जी। अब इस साइकिल से हमने ये सारी टर्म जो है इनको समझना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं वेव फॉर्म की, वेव फॉर्म कैसे बनती है। तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको बता दिया है कि जैसे जैसे ये ऑसिलेट करता है, ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, तो ये जो टिप है ये पेपर के ऊपर बकायदा एक वेव फॉर्म बनाती हुई, ये क्योंकि पेपर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, मूव करने की वजह से हमारे पास एक ये एक वेव बनती हुई जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी वेव को हम साइन वेव कहते हैं, साइन वेव। इसको सिनोसाइडल वेव भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये टाइम के लिहाज से इसमें वेरिएशन आ रही है, तो ऐसी वेव को हम वेव फॉर्म कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखें स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ये ऑसिलेट कर रही थी, हमारे पास इसकी ऑसिलेशन की वजह से एक वेव बनती हुई जा रही थी, टिप जो है मूव करती हुई जा रही थी इस तरह से, तो हमारे पास ये एक वेव बन रही थी। अब इसका इंस्टेंटेनियस से मुराद होता है इंस्टेंट, कोई भी लम्हा। तो आप इसका किसी भी पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे वो इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि एक ऐसा डिस्टेंस किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो मेन पोजीशन से बॉडी जब मूव करती है, तो किसी भी इंस्टेंट पे ये जो मेन पोजीशन है इसके अराउंड बॉडी जब मूव करती है, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो उसका डिस्टेंस होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, पॉइंट नंबर जो टू है उसकी हमारे पास, ये जो पॉइंट नंबर टू है उसकी हमारे पास डेफिनेशन है कि आप कह सकते हैं कि ऐसा डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। राइट जी, यानी कि हमारे पास ये जो मेन पोजिशन के अराउंड जो हमारे पास बॉडी कहीं पे भी लाइक आ रही है, तो उसी इंस्टेंट पे जो उसका डिस्टेंस जो उसने कवर किया है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो डे स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड को समझना बहुत आसान है हमारे लिए। हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि आप इसको कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मेन पोजिशन। तो ये देखें, अगर ये आपके पास मेन पोजिशन है या ये आपके पास मेन पोजिशन है, तो जब मैं इसको खींचता हूँ यहाँ पर लेके आता हूँ इस जगह पर, तो मेन पोजीशन से लेके ये जो यहाँ तक मैक्सिमम डिस्टेंस है ये वाला, इसको आप कह सकते हैं एक्स नॉट। एक्स नॉट नॉट जो है यहाँ पे मैक्सिमम एक्स जो है डिस्टेंस को शो कर रहा है, नॉट मैक्सिमम को शो कर रहा है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट जी। तो अगर बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे अगर आती है तो यहाँ मेन पोजीशन से लेके यहाँ तक जो इसका जो डिस्टेंस होगा एक्स नॉट प्राइम उसको कह लें आप, तो ये मैक्सिमम होगा। अगर बॉडी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये होगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ से डेफिनेशन कर सकते हैं द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन। आप देखें ना, यहाँ से मैक्सिमम ये वाला पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो एक्स नॉट है। अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, तो इसको एक्स नॉट प्राइम कह लें आप। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन। आप इसको लिख लें, जो हमारे पास थर्ड टर्म है उसकी डेफिनेशन की बात करने लगा हूं, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड
एम्पलीट्यूड, राइट जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास, हमने वेवफॉर्म को स्टडी कर लिया, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को स्टडी कर लिया, एम्पलीट्यूड को स्टडी कर लिया। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें कि एक बॉडी जो है, अगर इसको मैं खींच के यहाँ पे लेके आता हूँ इस पोजीशन पे, आप कह दें कि ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन ओ है, और ये वाली जो पोजीशन है ना ये बी पोजीशन है। जब मैं ए पोजीशन पे ला के इस बॉडी को छोड़ता हूँ तो ये ए से जाती है बी की तरफ, और बी से होती हुई फिर दोबारा जब ए पे आती है, तो इसने एक अपना चक्कर मुकम्मल किया है, इसको आप कहते हैं राउंड ट्रिप, ठीक है ना। तो आप यहाँ से जब एक ये चक्कर मुकम्मल करेगी तो इस एक मुकम्मल चक्कर को मेन पोजीशन के राउंड ये जो चक्कर लगाया है, इस चक्कर को हम कहते हैं वाइब्रेशन। तो आप इसकी डेफिनेशन एक ऐसे कर सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी मेन पोजीशन के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, एक साइकिल मुकम्मल करती है, एक राउंड ट्रिप मुकम्मल करती है, एक चक्कर लगाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। तो आप यहाँ पर वाइब्रेशन की डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि वन कम्प्लीट राउंड ट्रिप, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी, आप देखें ना ये मेन पोजीशन की तरफ था ना, तो आप लिखेंगे टूवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन या अबाउट इट्स मेन पोजीशन, मेन पोजीशन, राइट जी। तो हमारे पास दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। राइट जी। तो डियर स्टूडेंट दोबारा देखें कि हमारे पास एक बॉडी मेन पोजीशन के राउंड जब चक्कर मुकम्मल करती है, एक चक्कर जब वो मुकम्मल कर लेती है, ए से मूव करती हुई बी पे गई, और बी से दोबारा जब ए पे वापस आई, तो ये उसका एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है, राइट जी। तो हम कहते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अब डियर स्टूडेंट ये जो वेव है, यहाँ से भी हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एक बॉडी है वो मूव करती हुई ये जा रही है, अब देखें ना ये हाफ, उसने राउंड ट्रिप हाफ हाफ चक्कर मुकम्मल किया। अब देखें यहाँ से जाती हुई यहाँ पे वो मूव करते हुए यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे जो उसका जो एक कंप्लीट चक्कर है मेन पोजीशन पे दोबारा वापस आ गया, तो इसको हम कहते हैं वन साइकिल, इसको हम ये भी कहते हैं वन राउंड ट्रिप, एक चक्कर मुकम्मल किया। तो ये जो एक चक्कर है, एक वन राउंड ट्रिप है, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना एक चीज़ और डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे ना हम एंगल्स को भी स्टडी कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट जब एक वेव होती है तो उसमें जहाँ से वो स्टार्ट होती है तो वहाँ उसका एंगल ज़ीरो होता है, राइट जी। ये ऐसे ही है जैसे मैं ना यहाँ पे एक सर्कल बना के आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास सपोज ये एक सर्कल है, इसको मैंने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, राइट जी। अब यहाँ पर देखें ये यहाँ पर एंगल ज़ीरो डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे हम लेते हैं 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री, और जब एक चक्कर मुकम्मल होता है तो यहाँ 360 डिग्री, राइट जी। अब इसी चीज़ को हम ना वेव में स्टडी करेंगे। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, अब देखें ना आप ये जो ये वाला जो पोर्शन है इसको उठा के अगर यहाँ पे नीचे ले आएँ यहाँ पे, तो आपके पास एक पूरा साइकिल बन जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको देखें, अगर बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ पर आए तो इस पोजिशन पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और जब बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगी तो एज़ इट इज़ सेम, जैसे यहाँ पे 180 है तो यहाँ पे जो एंगल है वो 180 डिग्री कहलाएगा। अब देखें बॉडी यहाँ पे मूव करके जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल होगा वो 270 डिग्री होगा। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक चक्कर मुकम्मल हो गया, तो एक चक्कर में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री। ये आपने बात याद रखनी है, इन वन राउंड ट्रिप देर आर 360 डिग्री, राइट जी। अब देखें यहाँ से चले थे यहाँ पे वापस आ गए तो 360 डिग्री हुआ, तो यहाँ से चले थे वहाँ वापस आ गए 360 डिग्री हुआ। तो डे स्टूडेंट ने यहाँ पे ना एक बात और याद रखनी है, ये जो हमारे पास एक क्वार्टर है ना, ये जो क्वार्टर है एक, ये क्वाड्रेंट भी आप कह सकते हैं, ये 90 के इक्वल है। ये हमारे पास ये जो क्वार्टर है ये 90 के इक्वल है, 90 प्लस 90 180, फिर इसमें 90 ऐड करें तो 270, फिर 90 ऐड करें तो 360। अब यहाँ पे ना इसको हम एक और तरह से भी देखते हैं, ये जो एंगल है ना 90 डिग्री, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बाय 2, तो पाई जो होता है ना इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री, राइट जी। ये आगे चल के हमें काम आएंगे तो इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है पाई बाय 2, यानी कि 180 को 2 पे तकसीम करें तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा, राइट जी। अब
डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास 180 डिग्री है ना, इसको हम पाई लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि पाई 180 के इक्वल है, तो ये हमारे पास 180 के यानी कि आ गया इक्वल। अब यहाँ पे देखें, इसको हम लिखेंगे 3π/2। अगर आप 3 × 180 करें और डिवाइड करें 2 से, तो आपके पास 270 आ जाएगा। तो जो 360 आप इसको लिख सकते हैं 2π, राइट। डियर स्टूडेंट्स, इसकी आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अब हम इसके